शॉर्टकट ना मारा। हाँ जी, एसडीएम साहब कौन से थे आज, क्या कुछ बातचीत हुई आपके साथ? एसडीएम साहब ठीक पहुंचे थे, कोई सी बात नहीं है ना, कोई दबाव का कोई प्रेशर की बात थी, वो तो एक सलाह मशवरा के लिए आए थे एसडीएम साहब। दो बातें पाए थे, एक तो मास्क लगाओ, उसने ये भी कहा आंदोलन चलाओ, धरना चलाओ, खूब चलाओ अपनी मर्जी से, जो कोविड अभी कोरोना काल है फिलहाल तो उसमें आप मास्क लगाओ। तो हमने बताया मास्क हमारे लिए ऑलरेडी तैयार हैं और लगा भी रहे हैं, लगावा भी है, हमने 5-4 हज़ार मास्क बनवाए हैं। दूसरा था वैक्सीन का, यानी टीके लगवाओ भाई। हमने कहा भाई हमारी कमेटी फाइनल करेगी इस बात को, डॉक्टर भेजो आप, कोई बात नहीं आपका डॉक्टर भेजो, क्यों सरकार है, लेकिन हम ये फैसला जनता पर छोड़ेंगे, क्योंकि जनता जे लगवाना चाहेगी लगवा लेगी, नहीं लगवाना चाहोगी तो नहीं, कोई कमेटी का कोई प्रेशर नहीं, ना सरकार का प्रेशर है, क्योंकि जनता का ये भय है बस, जैसे टीका लगवाया कोरोना का वैक्सीन का तो मरण का खतरा हो जाता जनता ने, और बहुत से हादसे ऐसे हुए भी हैं, इसलिए जनता कुछ पीछे हट रही है, क्योंकि सरकार का विश्वास नहीं कर रही। जे सरकार आज का दिन घी दूध भी पिलावे जनता ने तो भी सरकार का विश्वास नहीं करी, वो अपनी मर्जी से काम करेगी। इस सरकार का विश्वास नहीं है क्योंकि इसने धोखे से बहुत काम करे हैं, धोखे तो सारे काम करे हैं, कितने भी काम धोखे तो करे हैं। जैसे कोई विकास का काम है, भाई मैं स्कूल बनवाऊंगा, उड़े नहीं बनवाया, कॉलेज बनवाऊंगा, उड़े नहीं बनवाया, नहर कटवाऊंगा, नहीं बनवाया, SYL 6 साल हो गया तक जिक्रा नहीं, SYL का जिक्रा नहीं, SYL कटा, सरकार तो ऊपर नीचे उसे की तैयारी, आना में सेंटर में आज हूँ SYL नहर कटवाऊ हैं, यानी बरगलाने की बात करती है सरकार, लेकिन हमने फैसला कर दिया भाई अपनी मर्जी। एक और भय है लोगों का भाई, कोरोना जब पॉजिटिव आ गया यानी कोरोना घोषित हो गया तो हॉस्पिटलों में दाखिल कर लेते हैं, ना घर वाला ने मिलने देंगे, ना मौत हो जाती, ना दाग देने देंगे, कौन दाग देवे है ना, नहर में बगावे हैं, को बिजली में फूके हैं, ये भय है जनता का भाई कोरोना जैसे घोषित हो गया वो परिवार से नाता टूट जाता है। परिवार तो अपना हाथ से दाग देगी सबर आता है परिवार ने, तो मौत तो आनी है, मौत तो होनी है, पक्का होनी, आज नहीं 10 पास कुछ टेस्ट के बारे में बातचीत हुई है यहाँ पर, जो किसान बैठे धरने पर एसडीएम साहब आए? नहीं, टेस्ट के बारे में कोई बात नहीं हुई, ना टेस्ट लोग करवा रहे, क्योंकि करवाने घोषित होगा कोरोना, टेस्ट करवाने घोषित होगा, और उसने सरकार धरने अंदर ठान की, ये तो मनसा है इसकी भाई कोरोना का, उसमें कौन सा ऑपरेशन कहते कोविड ऑपरेशन कर चलावांगे, के था वो कलीन ऑपरेशन चलावांगे, कोरोना का वो करांगे कलीन ऑपरेशन का, ऑपरेशन का मतलब तो कलीर साफ, उठो धरने ठाओ धरने, ऐसा नहीं है। अभी सरकार की मनसा सब जान गए हैं, बच्चा जान गया है, कोई भी सरकार पर विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि ये विश्वास के एक रहे हैं, दो किस्म का कोरोना बना दिया इनने, रैलियां में तो कोरोना नहीं भाई, धरने पर कोरोना, अमीर का कोरोना नहीं, गरीब का कोरोना, ये कौन सा कोरोना भाई, दो किस्म का कोरोना को नहीं, कोरोना तो एक ही किस्म का है कि ना है, वो तो जनता जाने, मेडिकल जाने, डॉक्टर जाने, लेकिन लूटन का भी रास्ता है, हमने सुना है गाँव में भाई लूटन के रास्ते बना लिए, ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, देश का ऑक्सीजन क्यों नहीं, 6 साल हो गए ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लाए इसने, क्यों नहीं कोरोना के मेडिकल खोले, खोल आँखें जामनी बना सके थी, सरकार के पास पावर है, इसने कोई किसी के साथ रिक्स नहीं लिया भाई, विकास में मैं देश के लिए क्या करूं, सिर्फ कुर्सी संभाली है, कुर्सी का युद्ध नहीं चला, ऐसा तोड़ मजबूत करूं, मारूं, मार के करूं, जिंदा रह के करूं, इसका तो यह है भाई। क्या नाम प्रधान जी? मेरा नाम सतवीर पहलवान बरसोला, प्रधान खेड़ा खाप। धन्यवाद भाई।